कांग्रेस के दबाव की हम बात कर रहे थे और कांग्रेस के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने अपना नाम जो है वो वापस नहीं लिया और पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर वो अब भी अड़े हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कैची छाप मिल चुका है, ये जन जन का छाप है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर पटना तक सबने उनके साथ धोखा ही किया है, लेकिन जनता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और जनता उन्हें पूरा समर्थन देकर जिताएगी। वहीं पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्हें अपने पार्टी और गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, उनके प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। वहीं पूर्णिया के आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन समेत कांग्रेस और महागठबंधन के कई बड़े नेता जरूर मौजूद होंगे। उन्हें पप्पू यादव पर तंज कसते हुए ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पप्पू यादव मेरे खिलाफ ही खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी मेरे लिए ही चुनाव प्रचार करती हुई मंच पर आपको नजर आएंगी। बीजेपी की बी टीम बनकर बीजेपी के एजेंट के तौर पर पप्पू यादव काम कर रहे हैं। बीमा भारती की तरफ से एक बड़ा आरोप जो है पप्पू यादव के ऊपर लगाया जाता है। हमारे चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए, तेजस्वी और लालू जी भी आए। वो धर्म गठबंधन धर्म का पालन आवश्यक है और हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर हम दोनों के बीच संस्कार है और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का कर्तव्यों का निर्वहन पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना है। देखिए पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजीता रंजन प्रचार में जो है कि आई कोई मिला है, इसमें तो जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि यह बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं ये सभी जानते हैं। वहीं पूर्णिया में एक बार फिर से अजीत सरकार की बहुचर्चित हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा समेत एनडीए के कई नेताओं ने अजीत सरकार के शहादत स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते नजर आए। इस मौके पर जदयू प्रत्याशी सांसद संतोष कुशवाहा ने देखे निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर जमकर कटाक्ष किया, कहा कि पूर्णिया और देश का हर व्यक्ति ये जानता है कि अजीत सरकार की हत्या किसने की थी। वहीं इस मौके पर लेसी सिंह और संजय सरावगी ने भी पप्पू यादव को घेरा है।